और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बजट सत्र के दौरान सीएए और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। ये बात उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कही। तो वहीं स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने बिल पास होने के बाद से किसानों से उनके मुद्दे और केंद्रीय कृषि कानूनों के नकारात्मक प्रभाव को उठाया है। ऐसे में डीएसके कृषि संबंधी कानूनों को पास होने के बाद से ही इन्हें वापस लेने की मांग कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए ने अल्पसंख्यकों के मन में अब डर पैदा कर दिया है और ये उनके हितों के खिलाफ है। ऐसे में डीएमके हमेशा ऐसे कानूनों के खिलाफ रही है। और स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में बोलते हुए ये भी कहा कि डीएसके किसानों की दुर्दशा को देखते हुए कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, लगातार किसान भी धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध में। और अब इस तरह का बयान यहाँ पर सामने आ रहा है एमके स्टालिन की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसानों के ही साथ हैं और कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने की मांग को फिर से दोहराया गया है। आपको बता दें, शुरुआती दौर से ही एमके स्टालिन इस पक्ष में नहीं थे कृषि कानून को लागू किए जाने के, लेकिन कानून लागू कर दिया गया। और अब जबकि किसान काफी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, ऐसे में अब एक प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जहाँ मुख्यमंत्री स्टालिन ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि किसानों की दुर्दशा को देखते हुए कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने की मांग यहाँ पर की जा रही है। और इसी के साथ ही इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी जल्द ही पारित किया जाएगा। आपको बता दें, सीएए को लेकर भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और साथ ही एमके स्टालिन ने कहा कि सीएए लागू करने की वजह से जो अल्पसंख्यक हैं उनके मन में एक डर की स्थिति पैदा हो गई है, और इसी के साथ ही उनके मन से ये डर निकालना जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। और वो करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर की ओर, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक की गई है, जहां बीजेपी कार्यालय में देर रात तक एक अहम बैठक की गई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सीएम योगी के कार्यालय में देर रात तक एक अहम बैठक की गई, जहां सीएम योगी ने 300 पार का नारा दिया है। बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चुनाव में इसी नारे के साथ अब बीजेपी उतरेगी, जहां 300 पार के नारे के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा की गई, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा की गई। और इसी बीच अरुण सिंह ने सीएम कैंडिडेट को लेकर कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट होंगे योगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर देर रात सीएम कार्यालय में एक बड़ी बैठक की गई। इस दौरान कई अहम चर्चाएं की गई हैं चुनाव को लेकर। और इसी बीच 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार के लिए, सीएम पद के कैडिडेट के लिए सीएम योगी का नाम ही सामने आया है। बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें सीएम पद के लिए सीएम योगी का ही नाम एक बार फिर से प्रस्तावित किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, देर रात ये बैठक हुई थी, जहां पर एक नया नारा बीजेपी लेकर आई है। सीएम योगी ने यह नारा दिया है कि इस बार 300 के पार, चुनाव में इसी नारे के साथ बीजेपी उतरेगी। और इसके साथ आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक की गई है, देर रात ये बैठक की गई, जहां पर यह नारा सामने आया है कि इस बार 300 के पार, विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर भी चर्चा की गई इस दौरान। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो वहीं इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अरुण सिंह ने सीएम कैंडिडेट को लेकर भी साफ कर दिया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम पद के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है लखनऊ से, जहां लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में देर रात को एक बैठक की गई। तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में देर रात तक ये बैठक चली है। और इस बैठक के दौरान बीजेपी ने आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की है, और विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में होने वाला है उसको लेकर
इस बैठक में काफी अहम चर्चा की गई और इसके साथ ही रोड मैप यानी आगे की रणनीति को लेकर भी काफी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ एक नारा यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं, जहां वो बहुत ही ज्यादा मतलब आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने नारा दिया है कि इस बार 300 के पार। और इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है, साथ ही इस चुनाव को लेकर भी आगे की रणनीति तय की गई। और इसी बीच अरुण सिंह ने सीएम कैंडिडेट को लेकर साफ कर दिया है कि इस बार भी सीएम पद के लिए कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देर रात जो है लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई है और इस बैठक में बीजेपी कार्यालय में ये बैठक की गई, जहां देर रात तक ये बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है, जहां पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। बता दें विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है और इसी दौरान कार्यालय पर देर रात को अचानक ये बैठक बुलाई गई है और इसी के साथ ही